हेलो फ्रेंड, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक साइबर क्रिमिनल किस तरह से किसी भी अटैक को प्लान करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे साइबर स्टैकिंग के बारे में विथ एग्जांपल। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि साइबर कैफे और साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं। उसके बाद बॉटनेट्स, जिसको द फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम के नाम से भी हम जानते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अटैक वेक्टर के बारे में कि अटैक वेक्टर क्या होता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि एक क्रिमिनल किस तरह से किसी भी अटैक को प्लान करता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? साइबर ऑफेंस के अंतर्गत आती है। तो कभी कभी क्वेश्चन साइबर ऑफेंस के नाम से भी आ सकता है। तो साइबर ऑफेंस क्या होता है? मतलब जो डिजिटल क्राइम होता है उसी को हम साइबर ऑफेंस के नाम से जानते हैं। साइबर ऑफेंस के अंदर हम समझते हैं कि एक क्रिमिनल किस तरह से किसी भी अटैक को प्लान कर रहा है और उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, यानी कौन से मेथड्स का यूज करके वो इलीगल एक्टिविटीज को इन डिजिटल स्पेस के अंदर हैपन कर रहा है। मतलब इलीगल एक्टिविटीज को डिजिटल स्पेस के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, उसी को हम साइबर ऑफेंस बोलते हैं। अब किस तरह से प्लान को अटैक करते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या है कि आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट्स, एक्सप्लॉइटिंग वर्नेबिलिटीज, सोशल इंजीनियरिंग, मैलवेयर डिप्लॉयमेंट एंड प्लानिंग अटैक रूट्स। अब इनके बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो प्लानिंग स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाइंग वीक पॉइंट्स, जो अटैकर्स होता है यानी जो क्रिमिनल्स होता है वो क्या करता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि वीक पॉइंट्स, जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसकी वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का काम करता है, यानी जहां से वो सिस्टम के अंदर एंटर कर पाए। उसके बाद वो क्या करता है, वल्नरेबिलिटीज जहां से वो फाइंड आउट करता है, वहां से जो भी वीकनेस पॉइंट होती है वहां से वो क्या करता है कि आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है, यानी आपके सिस्टम के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप अपनी बातों में क्या करें, मैनिपुलेट करके उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवा ले, ठीक है, उसको सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में अभी हम डीपली में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है। जब आप किसी भी पर्सन को, जब कोई अटैकर किसी भी पर्सन को अपनी बातों में बहला फुसला के या फिर मैनिपुलेट करके उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवा ले, तो उसी को सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। मैलवेयर डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर जब वो डिप्लॉय मैलवेयर इंसर्ट करता है तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना प्रसार मतलब सारे सिस्टम में फैलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो क्या करता है आपके सिस्टम को डैमेज पहुंचा सकता है। उसके बाद प्लानिंग अटैक रूट्स, तो रूट एक डिसाइड होता है कि कौन से रूट से हम सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे और कहां से एग्जिट होंगे, यानी कौन से रूट्स को फॉलो करके हमें अटैक प्लान का अटैक को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग अटैक रूट्स। अब इस चीज को हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। कह रहा है कि थिंक ऑफ द साइबर ऑफेंस लाइक ए प्लानिंग ए हिस्ट, मतलब जो हम एक हिस्ट को प्लान कर रहे हैं, चोरी जो होता है, डेटा की चोरी हो गई, उसी को हम साइबर ऑफेंस बोलते हैं। अब क्रिमिनल स्टडी की अगर हम बात करें, जो टारगेट होता है, सबसे पहले क्रिमिनल क्या करता है, टारगेट को स्टडी करता है, भाई जिसके ऊपर अटैक करना है उसको स्टडी करता है और आइडेंटिफाई करता है वीक पॉइंट्स। उसके बाद वो फाइंड आउट करता है कि किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, वहां पे वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करता है और वहां से सिस्टम के अंदर एंटर होता है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, मतलब जो भी बंदा जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद डिप्लॉय करते हैं टूल्स फॉर द जॉब, मैलवेयर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद प्लान करते हैं दियर एंट्री एंड एग्जिट रूट्स, यानी कहां से वो सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं और कहां से बाहर हो सकते हैं, सारी चीजें डिफाइन करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं किस तरह से एक अटैकर, यानी एक किस तरह से एक क्रिमिनल किसी भी अटैक को प्लान करता है। तो ये सारी चीजें फॉलो करके, पांच पॉइंट्स को फॉलो करके वो क्या करता है, अटैक को प्लान करता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। सोशल इंजीनियरिंग दो नंबर के क्वेश्चंस बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो सोशल इंजीनियरिंग इज लाइक एक तरह के डिजिटल मैजिक ट्रिक होती है। अब मतलब क्या होता है कि इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स होता है यूज करता है चार्म्स या कह सकते हैं मैनिपुलेशन और ये सारी चीजों का यूज करके वो क्या करता है, किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि फेक कॉल्स आते हैं, ठीक है,
फेक कॉल्स आते हैं, सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये चाहिए, आपका ये हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। वहां पे क्या होता है कि एक अनोन कॉल आती है और आपको अपनी बातों में बहलाने फुसलाने या कह सकते हैं मैनुपुलेट करने की कोशिश करता है, और जब आप मैनुपुलेट हो जाते हैं तो उसको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर डेबिट कार्ड नंबर और ओटीपी आप सेंड करते हैं, और जैसे ही ये सारी चीजें करते हैं तो आपका डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये सारी चीजें सोशल इंजीनियरिंग यानी कह सकते हैं ये सारी चीजें सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। इसके अंदर किस तरह से टेक्निक्स का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले फिशिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, प्रीटेक्सिंग होता है, इंपरसेशन होता है, उसके बाद क्विजिस एंड सर्वेस होता है। ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, टेक्निक्स यूज इन सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग किन टेक्निक्स का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले फिशिंग। फिशिंग का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई फेल मेल ईमेल और मैसेज आते हैं जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा होते हैं और वो आपसे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे आपने फिशिंग मेल में क्या होता है, कुछ मैसेज आया कि बधाई हो आपने 7 करोड़ जीत लिए। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है कि कुछ लिंक दिए रहते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और लिंक पे क्लिक करने से आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसी लिंक होती है जहां पे आप क्लिक करते हैं या आपका डेटा उनके पास पहुंच जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो कुछ ऐसा पेज ओपन होता है जहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे डेटा को मैनिपुलेट, डेटा को फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीटेक्सिंग, प्रीटेक्सिंग का मतलब होता है कि वो क्रिएट करते हैं एक सिनेरियो को बनाए रखते हैं जहां पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर सके। मतलब एक पेज, अब जैसे आप एक चीज देखे होंगे कि जब क्रिकेट विकेट होता है या फिर ऐसी चीजें, तो व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज होता है कि जियो का रिचार्ज फ्री में है या फिर आइडिया वोडाफोन ऐसे रिचार्ज फ्री में रहेंगे, तो फॉर्म एक आता है, तो फॉर्म फिलअप हम करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, होता कुछ नहीं है, बस लोग फिलअप करते हैं। तो क्या है कि एक तरह के लोगों के डेटा लेने के लिए ये सारी चीजें की जाती है कि लोग क्या करें, अपना डेटा दें। वहां पे हम क्या भरते हैं, अपना DOB भरते हैं, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम, ये सारी चीजें फिलअप करते हैं। तो वो क्या होती है, एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होता है। वहां पे क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को ट्रैक करते हैं, उनको क्या सेंड किया जाता है, फेक ईमेल और मैसेज, और वहां पे क्या किया जाता है कि कुछ एक सीनेरियो बनाया गया है जहां पे आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फिल करके एंटर करोगे, वो क्या हो जाएगा, पेज जो हो गया वो रिफ्रेश हो जाएगा और उस पर कुछ आगे का प्रोसेस नहीं होगा और वो वेबसाइट, वो कह सकते हैं 404 वाला एरर आ जाएगा, तो आप बैक करेंगे नहीं, कुछ नहीं हो रहा। तो उसका मतलब होता है कि आपका डेटा उनके पास पहुंच चुका है और उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है इम्परसेशन। इम्परसेशन का मतलब क्या होता है कि किसी ट्रस्टवर्दी, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, वो बनके, जैसे बैंक वाले हो गए, क्रेडिट कार्ड वाले हो गए, ठीक है, किसी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इन सारी चीजों का लेके, मतलब ये बन के क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं आपसे आपकी इंफॉर्मेशन या लेने के लिए, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्विजेस एंड सर्वे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्विजेस और सर्वे करवाया जाता है जिससे आपकी गेदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जैसे कोई आपका दोस्त है आपसे आपका पासवर्ड पूछ ले, तो ये भी एक तरह के सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, द सोशल इंजीनियरिंग इन एक्शन। ठीक है, तो जो डिजिटल आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि, मतलब जो इस काम को करने में माहिर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। जैसे अगर बात करें तो जो भी अटैकर्स हो, तो मतलब जो भी कॉल्स करते हैं, ईमेल करते हैं करोड़पति वालों से, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं कि उसके खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जिससे आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज के डेट में थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि लोग ज्यादा जानकार हो गए, पहले ये सारी चीजें ज्यादा होती थी। ठीक है, अब बात आती है साइबर स्टैकिंग की। साइबर स्टैकिंग क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। साइबर स्टैकिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी बंदे को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ऑनलाइन फॉलो करते हैं। ऑनलाइन फॉलो करने का मतलब है कि उस पर नजर रखते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं, परसिस्टेंट एंड अनवांटेड अटेंशन उसको देते हैं, हरासमेंट करते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो उसको हम साइबर स्टैकिंग, मतलब अगर कोई बंदा आपको डेली ऑनलाइन फॉलो कर रहा है, आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब जाते हैं, आपको ज्यादा अटेंशन दे रहा है, आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपके किसी पोस्ट पे ऐसे कमेंट्स कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, साइबर स्टैकिंग के अंतर्गत आती है। अब इसमें इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबसे पहले मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, जो भी अटैकर्स होगा आपको मॉनिटर करेगा, हरासमेंट होता है, थ्रेट्स होता है, उसके बाद अनवांटेड अटेंशन होता है। इनके बारे में हम जल्दी से डीपली में डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आप साइबर स्टैकिंग के बारे में अगर हम बात करें तो अनवांटेड अटेंशन, मतलब जब आप ऑनलाइन आते हैं ना, आपको सबसे ज्यादा अटेंशन देता है, रिसीव करता है, मतलब जो भी सारी चीजें हैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज करेगा लाइन, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको अटेंशन देने की कोशिश करता है। उसके बाद मॉनिटरिंग, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है ओवर द सोशल मीडिया और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे भी आप
होते हैं, तो वहां पे क्या करता है, आपको ऑब्जर्व करता है विदाउट कंसर्न, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हरासमेंट, ठीक है, कुछ चीजें होती है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, कोई भी पोस्ट हो या फिर आपको आपके पोस्ट पे गंदे कमेंट्स करेगा, ये सारी चीजें क्या करती है, हरासमेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपको धमकियां भी देता हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, साइबर स्टैकिंग, तो ये सारी चीजें साइबर स्टैकिंग के अंतर्गत आती है। जब आपको कोई अनवांटेड अटेंशन दे, आपको मॉनिटर करे, हरासमेंट करे, आपको धमकी दे, ये सारी चीजें साइबर स्टैकिंग के अंतर्गत आती है। इमेजिन अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की इसके साथ, तो जैसे अगर सोशल मीडिया है, तो कह रहा है कि समवन कॉन्स्टेंटली कमेंटिंग ऑन योर सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया पे कोई कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है, सेंडिंग द नोमेरिस मैसेज, आपको बहुत सारे मैसेज भी भेज रहा है, ट्रैक कर रहा है योर ऑनलाइन एक्टिविटीज को, तो ये सारी दैट्स साइबर स्टैकिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, साइबर स्टैकिंग के अंतर्गत आती है। इट्स लाइक एन ऑनलाइन शैडो, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह का ऑनलाइन शैडो। तो इसमें क्या हो गया कि एक तरह से आपसे डेटा लेना चाहता है, रिपोर्ट बिहेवियर, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं साइबर कैफे के बारे में, कि साइबर कैफे क्या होता है। तो साइबर कैफे एक तरह का डिजिटल हैंगआउट स्पॉट होता है, यानी जहां पे लोग जाते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करने के लिए, ठीक है। साइबर कैफे में क्या करने लोग जाते हैं, एक तरह का डिजिटल हैंगआउट स्पॉट होता है जहां पे लोग जाते हैं और कंप्यूटर इंटरनेट का यूज करते हैं, एक तरह का ऐसा प्लेस होता है जहां पे इंडिविजुअल्स ऑप्टेन विदाउट पर्सनल इन कंप्यूटर, मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जाता है बिना अपने कंप्यूटर सिस्टम को लिए, वो क्या करता है, ऑनलाइन सर्विसेज ले सकता है, जैसे गेम को खेल सकता है, अपने काम को या प्रोजेक्ट्स को कर सकता है विद किसी और के कंप्यूटर, और वहां पे ऑब्वियस सी बात है आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे पहले इसका पहले यूज ज्यादा किया जाता था, लेकिन आज के डेट में क्या है, सबके पास स्मार्टफोन और लैपटॉप हो गया, तो इसका यूज कम हो गया है साइबर कैफे का, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं आपको साइबर कैफे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले कंप्यूटर एक्सेस, आपको कंप्यूटर एक्सेस मिल जाता है, मतलब प्रोवाइड करता है जो भी साइबर कैफे का ओनर होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर पब्लिक यूज। आप पब्लिक यूज के लिए क्या कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, जिसमें लोग पहले ब्राउजिंग करने के लिए जाते थे या ऑनलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया को यूज करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए पहले लोग जाते थे, आजकल तो सारी चीजें अपने फोन में हो जा रही है। उसके बाद इंटरनेट ब्राउजिंग, यहाँ पे क्या करता है, वेब और चेक ईमेल करते थे, एंगेज करते थे, ऑनलाइन एक्टिविटीज, ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती थी। गेमिंग, गेमिंग के लिए आज भी यूज किया जाता है, तो जो साइबर कैफे होते हैं ऑफर करते हैं गेमिंग सेटअप्स, ठीक है, मल्टीप्लेयर इंडिविजुअल्स गेमिंग सेशन, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर आते हैं और वहां पे गेमिंग सेशंस कराए जाते हैं, तो इस तो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। आजकल एआर और वीआर की टेक्नोलॉजी आ गए, तो जहां पे ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के लिए सबसे ज्यादा साइबर कैफे बनाए जा रहे हैं, जहां पे लोग गेमिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमन यूज की अगर हम बात करें साइबर कैफे की, क्या क्या कॉमन यूजेस है, तो स्टडी एंड वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, विदाउट पर्सनल कंप्यूटर वो क्या करता था, साइबर कैफे के अंदर जाके अपना असाइनमेंट, अपने वर्क को कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद सोशलाइजिंग की अगर हम बात करें, तो वहां पे पीपल क्या होते हैं कि गेम खेलते थे, लोग एक साथ मिलके गेम खेलते थे या किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करते थे, ये सारी चीजें आपको मिल जाती थी साइबर कैफे के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, तो साइबर क्राइम लाइक डिजिटल ऑफेंस होता है, यानी डिजिटल ऑफेंस का मतलब कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई भी प्लान अटैक करते हैं, यानी अटैक प्लान करते हैं, तो उसको हम साइबर ऑफेंस बोलते हैं। साइबर क्राइम का मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को हैपन करते हैं इन डिजिटल स्पेस के अंतर्गत, तो उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा चुरा लेना या फिर उसके सिस्टम में वायरस इंसर्ट कर देना, ये सारी चीजें क्या होती है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है, या हम कह सकते हैं जब हम डिजिटल लॉ को ब्रेक करते हैं तो हमारा साइबर क्राइम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहेगा कि किसी की इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, किसी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है साइबर क्राइम के अंदर। अब अगर हम बात करें कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट हो गया, उसके बाद मेलवेयर अटैक हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है। अब कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम के बारे में अगर हम देख ले, हैकिंग, हैकिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई अनऑथराइज एक्सेस आपके कंप्यूटर या आपके नेटवर्क के ऊपर ले ले, तो उसको हैकिंग बोलते हैं। भाई कोई इंडिविजुअल पर्सन आया का मतलब कि ऑनलाइन आया और आपके सिस्टम ओवरऑल सिस्टम के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है और आपके नेटवर्क को वो मैनेज कर रहा है, तो क्या हो गया, एक तरह का हैकिंग, आपका सिस्टम पूरी तरह से हैक हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिशिंग अटैक क्या होता है, जब हम किसी इंडिविजुअल्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको फेक ईमेल और मैसेज भेजते हैं और उस ट्रैप में जब वो फंस जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फिशिंग अटैक, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी थ्रेफ्ट की अगर हम बात करें, तो
हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या करते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन चुरा के उसको क्या कर देते हैं, धमकियां देना लगते हैं कि पैसे दो अदरवाइज हम आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे। ये सारी चीजें आ गई आइडेंटिटी थ्रेफ्ट के अंदर। उसके बाद मेलवेयर अटैक हो गया, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेलवेयर इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो क्या करता है कि धीरे धीरे पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाते हैं और सिस्टम को डैमेज करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड की हम बात करें तो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं मनी के लिए क्या करते हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऑनलाइन फ्रॉड भी करते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल गई। अब अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की, आखिर इम्पैक्ट क्या, तो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि भाई कोई भी अटैक किया जाता है फाइनेंशियल्स के फाइनेंस के लिए, क्योंकि आपसे पैसे ले सके, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडिविजुअल और बिजनेसमैन लॉस मनी, ठीक है, तो आप मनी अपनी लॉस कर सकते हैं। प्राइवेसी इन्वर्शन हो गया, जहां पे प्राइवेट जो भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो मे बी एक्सपोज हो सकती है, भाई जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो एक्सपोज हो गई। आज के डेट में डेली न डेली किसी न किसी की क्या होती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद डिस्टर्प्शन हो गया, जो भी डिजिटल सिस्टम है मे बी इंटरप्टेड और डैमेज हो जाए, आपका जो भी सिस्टम है डैमेज हो सकता है, इंटरप्ट हो सकता है, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है साइबर क्राइम के अंदर। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी हमें क्रिएट करना है कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक पासवर्ड जो कि आसानी से गेस नहीं हो सकता है। उसके बाद हम इंस्टॉल कर सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है हमारे सॉफ्टवेयर को मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर से क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो भी क्लिकिंग होगा, मतलब कि जो भी सस्पिशियस लिंक हो या किसी के द्वारा शेयर किया गया हो तो उस पर हमें क्लिक करने से बचना चाहिए। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा पर्सन जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, या फिर कह सकते हैं ऐसा कोई इंडिविजुअल अनोन पर्सन आपको कोई लिंक शेयर करता है, तो उस लिंक पे क्लिक करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो लिंक कैसी हो सकती है आई डोंट नो, ठीक है, तो मुझे पता नहीं। तो हमें क्या करना है, हमेशा ऐसी लिंक से बचना है, क्योंकि सस्पिशियस लिंक जो होती है ना वही आपको दिक्कत दे सकती है, तो ऐसे लिंक से हमेशा हमें बच के रहना। ये हो गए हमारे साइबर क्राइम के कॉमन टाइप्स, इंपैक्ट और प्रिवेंशन। आगे हम बात करते हैं बॉटनेट्स के बारे में, कि बॉटनेट्स क्या होते हैं। बॉटनेट्स आपने बोट के बारे में सुना होगा कि बोट होते हैं, बोट क्या होते हैं, तो बॉटनेट्स आर लाइक डिजिटल जॉम्बीज आर्मी, ठीक है। जॉम्बीज आर्मी क्या होती है, जिनको मारते हैं वो भी जॉम्बीज बन जाते हैं। तो ये बोट्स जो होते हैं ना, बॉटनेट्स, ये क्या करते हैं कि एक तरह के नेटवर्क इन्फेक्टेड कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं। मतलब जब आपके कंप्यूटर के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है नेटवर्क के अंदर, तो ये जिन जिन फाइल्स को टच करते हैं, जिन जिन फाइल्स को टच करते हैं वो सारी फाइल्स क्या हो जाती है, बूट बन जाती है, और ओवरऑल क्या करती है पूरे कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल ले लेती है। द इन्फेक्टेड कंप्यूटर नोन एज ए बोट्स, ठीक है, जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर होता है बोट्स के नाम से जानते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं विदाउट दियर ओनर्स, बिना इनके ओनर्स के। एक बार ओनर ने इंसर्ट कर दिया और बिना ओनर है नहीं है, वो सारे बोट्स जितने बनेंगे वो एक डायरेक्शन में काम करेंगे, पर्टिकुलर एक टारगेट के लिए काम करेंगे, ठीक है। ओनर्स नॉलेज टू द परफॉर्म मॉलिक्यूल्स एक्टिविटीज, अब देखते हैं किस तरह से काम करता है। सबसे पहले इन्फेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर विद मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर के अंदर मॉलिक्यूल्स सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या हो गया कि आपके कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो कंट्रोल होगा, वंस एक बार इन्फेक्टेड हो गया दिस कंप्यूटर बिकम पार्ट ऑफ बॉटनेट्स। एक बार इन्फेक्टेड मतलब कि भाई अगर जैसे आप जॉम्बीज को जानते हैं, जॉम्बीज के अंदर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जॉम्बीज है तो अगर एक सेफ पर्सन, तो इसको जैसे वो क्या करता है इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये भी क्या हो जाता है जॉम्बीज बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह होता है इसमें भी, कि जब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम, अब वंस एक बार इन्फेक्टेड हो गया दिस कंप्यूटर बिकम इज अ पार्ट ऑफ बॉटनेट, तो वो क्या हो गया कि कंप्यूटर क्या हो गया बॉटनेट्स का पार्ट हो गया, एंड अटैकर कैन कंट्रोल द रिमोटली। अब उसको जो भी अटैकर ना रिमोटली कंट्रोल कर सकता है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब बोट्स जो वर्क करते हैं ना एक साथ काम करते हैं फॉर द परफॉर्म टास्क, जो भी उनका टास्क होता है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है, लाइक द सेफ रीडिंग मेलवेयर, स्टेलिंग इन्फॉर्मेशन और लॉन्चिंग साइबर अटैक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो या बात हुई कि जो भी मेलवेयर मॉलिक्यूल्स है उनको फैलाना हो, या फिर किसी इंफॉर्मेशन चुराना हो, या लॉन्च करना साइबर अटैक्स को, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं एक साथ ये सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं बॉटनेट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूज ऑफ साइबर क्राइम के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होता है इनके पास, मतलब बॉटनेट्स प्रोवाइड करते हैं अटैकर्स को,
जो भी अटैकर्स होता है प्रोवाइड करता है बॉटनेट्स को विद द डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पावरफुल नेटवर्क मेकिंग द इट अ हार्ड ठीक है ट्रेस टू द स्टॉप देयर एक्टिविटीज की इनकी एक्टिविटीज को स्टॉप करना बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि जब बोट कॉम करने लगती है तो वो जो नंबर ऑफ बॉट्स होते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं ठीक है। उसके बाद मल्टीपर्पज इसका यूज किया जाता है। मल्टीपर्पज का मतलब कि जरूरी नहीं है इसका साइबर क्राइम के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी इसका क्या कह सकते हैं कि सही पर्पस के लिए यूज किया जाता है मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट कराना तो हम मल्टीपल बोर्ड्स बना देते हैं जो क्या करते हैं उस टास्क को करते रहते हैं ठीक है। साइबर क्राइम्स कह सकते हैं मैसेज जैसे डीडीओएस अटैक हो गया या सेंडिंग स्पैम ईमेल्स हो गया। किसी को ईमेल्स भेजना हो बार बार एक ईमेल भेजना हो तो उसके लिए भी हम बॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। या डीडीओएस का मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जहां पे क्या होता है कि एक सर्वर होता है सर्वर के ऊपर एट टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट मारी जाती है तो सर्वर क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है। तो ये भी क्या है एक अटैक का टाइप होता है तो वहां पे अभी हम इसका यूज करते हैं ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं अटैक वेक्टर के बारे में कि अटैक वेक्टर क्या होता है। तो अटैक वेक्टर इज लाइक फाइंडिंग द सीक्रेट एंट्री पॉइंट ठीक है। जब हम किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर के अंदर कोई सीक्रेट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम अटैक वेक्टर बोलते हैं। इट इज ए मेथड ऑफ पाथ दैट साइबर क्रिमिनल्स यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। ये एक तरह का पाथ होता है किसके लिए अटैकर्स के लिए जो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम आपके नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए अटैक वेक्टर का यूज करते हैं। तो अटैक वेक्टर एक तरह का ऐसा फाइंड सीक्रेट पॉइंट एंट्री पॉइंट होता है जहां से कोई भी अटैकर आपके सिस्टम या आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकता है या कह सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अटैक वेक्टर। तो मैलवेयर जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिशिंग हो गया उसके बाद डिवाइड बाय डाउनलोडर मतलब आपको जो भी इंस्टॉल मैलवेयर है व्हेन ए यूजर विजिट कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट जब कोई यूजर्स क्या करता है ना ऐसे जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं ऐसे अनोन वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करके क्या करता है कि कुछ डाउनलोड करता है तो उसके सिस्टम में मेलवेयर इंजेक्ट हो जाता है और ये सारी चीजें प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ अगर आप इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय गाइस।